नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ प्रगति चंद। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की पुलिस ने एक सपा विधायक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई है। सपा विधायक जाहिद जमान बेग की फरार पत्नी सीमा बेग के हाजिर न होने पर कोर्ट ने उनके घर पर कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस सपा विधायक के घर पहुंची और उनके घर पर घरेलू सामान, डाइनिंग टेबल से लेकर कटोरी, चम्मच और उनके घर पर रखी हुई साइकिल को कुर्क कर दिया। मामला सितंबर महीने में एक नौकरानी की आत्महत्या को लेकर के है। सपा विधायक के आवास पर एक किशोरी नौकरानी ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस पूछताछ के दौरान सपा विधायक के बेटे को गिरफ्तार किया, उसके बाद उसे जेल भेज दिया। घटना को लेकर के कार्रवाई आगे बढ़ी तो सपा विधायक जाहिद जमाल बेग ने कोर्ट के सामने खुद को सरेंडर कर दिया, लेकिन उनकी पत्नी अभी भी फरार चल रही है। पत्नी के हाजिर न होने पर कोर्ट ने पुलिस को सपा विधायक के घर पर कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया था। इसका पालन करते हुए पुलिस ने उनके घर पर कुर्की की कार्रवाई की। आइए जानते हैं कि क्या है मामला और पुलिस ने कुर्की की क्या कार्रवाई की और इस दौरान किस तरह से पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ली। Thank you.
आरोपी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 185/24 के वांछित अभियुक्ता सीमा बेग, पत्नी जाहिद जमाल बेग, निवासी मलिकाना मोहल्ला थाना भदोही जनपद भदोही के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12 नवंबर को 85 BNSS के तहत कुर्की आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश के क्रम में आज दिनांक 18 नवंबर को प्रभारी निरीक्षक भदोही के द्वारा अभियुक्ता के 3 मंजिला भवन में रखी चल संपत्ति की नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।